आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। अभी चंदन क्यारी प्रखंड के शिव बाबूडी पंचायत मुखिया उम्मीदवार बंशीधर ठाकुर जी अपने पक्ष पर लोगों से मिल रहे हैं और अपने पक्ष पर दूरबीन छाप पर वोट देने की अपील कर रहे हैं। लोगों से मिल रहे हैं और लोगों का अपार समर्थन भी मिल रहा है। इनसे हम जुड़ते हैं और इनसे हम जानकारी लेते हैं। बंशी ठाकुर जी, आप बताइए कि आप जो चुनाव लड़ रहे हैं, क्या आपका पहली प्राथमिकता होगा विकास का? देखिए, आज करीबन हम 6 साल से मुखिया पद पर मेरा पत्नी थी और जितने भी 14 फाइनेंस में और 15 फाइनेंस में जितने भी फंड आया है, हम इस बार के चुनाव की पहली प्राथमिकता क्या होगी? इस बार के चुनाव में मेरा पानी, रोड, स्वास्थ्य, बिजली और सब पुल, पुलिया, गली, ये सब विकास का काम। आप 6 साल, आपकी पत्नी अभी निवर्तमान मुखिया जो है वो इस पंचायत की सरकार रह चुकी है, और ऐसे कौन सी विकास आपका अधूरा लग रहा है कि इस बार जनता के आशीर्वाद मिलते का पूरा करेंगे? देखिए, हम तो मान लीजिए विकास में बहुत सारे काम किए हैं, शौचालय बनाए हैं जितना भी हो सके गाइडलाइंस के अनुसार, और इंदिरा आवास दिए हैं, प्रधानमंत्री आवास दिए हैं, शौचालय का क्या बोलते हैं, रोड बनाए हैं, पुलिया बनाए हैं, कलहट बनाए हैं, स्नान घाट बनाए हैं, आपका नदी किनारे इजरी किनारे में क्या बोलते हैं, जो शमशान सेट बनाया है, ये सब सारे काम हम किए हैं। आप पर आरोप लगाया जा रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से हम देख रहे हैं, लोग कह रहे हैं, लोग सुन रहे हैं कि 14 फाइनेंस और 15 फाइनेंस योजना के तहत सरकार की ओर से जो राशि आवंटित कराया गया था उस राशि का आप कुछ ही खर्च कर बाकी राशि को आप मतलब वापसी किया है, क्या ये कहां तक सही है? बिल्कुल, मतलब ये सब बकवास है, बिल्कुल बकवास है सब। किस तरह की बकवास है? जितने भी राशि हमको मिला है 14 फाइनेंस में, उसके आधार पर हम उसमें सारे पैसा विकास के काम में लगा दिया। हमें वर्तमान में हमको 3,86,000 है जो वो रॉयल्टी का पैसा है, और 15 फाइनेंस में जितना भी हमको राशि मिला है उस राशि में हम मात्र 49,000 भी है वो रॉयल्टी का पैसा है। तो कोई प्रत्याशी, कोई उम्मीदवार का कहना है सोशल मीडिया के माध्यम से कि पंचायत में जो राशि आवंटित हुआ था उस राशि का विकास न होकर और सरकार को राशि वापस किया गया है, तो इस पर आप क्या कहें? देखिए, प्रत्याशी तो अपना उल्लू सीधा करने के लिए बहुत कुछ बोलेंगे। उल्लू चाहते हैं, उल्लू चाहते हैं कि हम विकास नहीं किए हैं। ये देखिए चुनाव है, चुनाव में मान लीजिए बहुत तरह का हमको वांछना देंगे कि बहुत तरह का बदनाम करेंगे, लेकिन हम बदनामी नहीं है, अब विकास के लिए हम भरोसा किए हैं। हम जनता जनार्दन से शिव बाबूडी पंचायत का जनता जनार्दन लोग का मेरा आशीर्वाद है। तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार के चुनाव में, अगले बार आपका पत्नी सरकार बनाई चलाई थी, मुखिया जीती थी, इस बार आपको क्या लग रहा है कि जनता का समर्थन किस तरह आपको मिला? जनता का मतलब समर्थन अपार है, अपार समर्थन आपको मिल रहा है, और जनता से मैं शिव बाबूडी पंचायत के जनता से यही निवेदन करूंगा, हम जो विकास किए हैं और भी विकास हम करने के लिए बहुत ही मेरा ये है। तो ये जो आरोप है कि 14 फाइनेंस और 15 फाइनेंस का जो पैसा का वापसी बताया जा रहा है, ये क्या है सर? इसमें देखिए, हमको वो प्रत्याशी लोग जितने जो भी हैं, जो भी हमको लांछना लगा रहे हैं, वो अपना ब्लॉक में देखे ना भाई, बैंक में देखे, बैंक से भी तो डिटेल्स निकाल सकते कितना पैसा आया, कितना खर्चा किया, मतलब वो पेन पेपर देख सकते हैं, पेन पेपर आराम से देख सकते हैं। ये भारतवर्ष है, कुछ कोई भी स्वतंत्र है वो देखते हैं। उस राशि का आप विकास किए हैं? विकास किए, कोई 4 पैसा हम नहीं लौटा है, 4 पैसा नहीं। तो इस बार जो अब जनता के बीच जा रहे हैं, तो कौन सी विकास को लेके जा रहे हैं, मतलब और आपको क्या लग रहा है कि हमको ये विकास को और करना चाहिए था, हमारा पत्नी जो विकास किए वो कम हो गई? देखिए, जितने भी मान लीजिए आवास में अभी नाम है, वो आवास को हमको करना है और भी जोड़ना है, गरीबों को आवास हमको देना है, ये मैं बाध्य है। पानी का सुविधा करना है, शिक्षा का सुविधा करना है, कोई भी काम के जितने भी हम नहीं किए हैं
वो हमको इस बार मेरा टारगेट है। आपका देखने से पता चल रहा है कि युवाओं की जो फौज है आप काफी मतलब आपका सहयोग मिल रहा ये है। ये सब तो जनता का आशीर्वाद है, जनता का आशीर्वाद। देखिए वंशी ठाकुर जी कह रहे हैं कि हम जो समर्थन मिल रहा है काफी समर्थन मिल रहा है, अपना दूरबीन छाप 5 नंबर को लेके लोगों के बीच जा रहा है, लोगों से अपना वोट देने की अपील, अपना पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमको लोगों की अपार समर्थन मिल रही है।